सीमेंट ऑटो रिक्शा। एक गांव में नरसिंह नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वो हर रोज ऑटो किराए पर लेता था और चलाता था। वो जो हर रोज पैसे कमाता था उसमें आधे से ज्यादा ऑटो के किराए पर ही चला जाता था। नतीजा ये हुआ कि जो भी पैसे वो कमाता था उसमें घर का खर्चा नहीं चलता था। नरसिंह की पत्नी सत्या जो कुछ भी पैसे मिलते थे उसी में घर का खर्चा चलाती थी। नरसिंह का बेटा मनु अपने घर का हालत समझता था, इसीलिए अपने बाप से कभी जिद नहीं करता था कि मुझे ये खरीद कर दो, वो खरीद कर दो। वो खूब मन लगा कर पढ़ता था। वो बहुत होशियार भी था। नरसिंह का घर बहुत पुराना था। एक दिन नरसिंह की पत्नी नरसिंह से, सुनो जी, इस साल की बारिश की वजह से अपने घर का बहुत नुकसान हो गया है। दीवारों पर दरारें पड़ने लगे हैं। दीवार को चुनवाते चुनवाते मेरे हाथों में छाले पड़ने लगे हैं। इस साल किसी भी तरह हम दीवारों पर यदि सीमेंट पोते तो इस परेशानी से मैं दूर हो सकती हूँ। ये सुनकर नरसिंह बहुत दुखी हुआ। क्या करूं सत्या, जो पैसे कमाता हूं उसे घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती। आज किसी ना किसी तरह मैं सीमेंट की बोरियां लेके आऊंगा, हम दीवारों को चुनवाते हैं। नरसिंह अपने दोस्त गोपाल के पास गया और अपने घर के हालात के बारे में बताते हुए, यार तुझे ही किसी ना किसी तरह मुझे पैसे देने होंगे, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। अरे तुम चिंता ना करो यार, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी मैं दूंगा। और एक खास बात, हमारे गांव में सीमेंट बेचने वाला ताराचंद एक स्पेशल ऑफर दे रहा है। वो कहता है कि अगर हम उसके पास सीमेंट खरीदेंगे तो एक बोरी में 50% की छूट दे रहा है। क्या 50% छूट? यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वहीं जाकर सीमेंट खरीदूंगा। नरसिंह ताराचंद के दुकान में गया और 4 बोरी सीमेंट खरीद कर अपने ऑटो में डाल लिया। घर पर सत्या ने सीमेंट की बोरियां देखा तो बहुत खुश हुई। कल सवेरे ही हम काम शुरू कर देते हैं जी। ठीक है कहा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। उन्होंने उन सीमेंट की बोरियों को घर के बाहर रखा और सो गए। उस दिन रात को ताराचंद ने अपने मुंशी को बुलाया और, सुनो वो ऑटो ड्राइवर नरसिंह के घर जाओ और 2 बोरी सीमेंट के ले आओ। मालिक ये तो बहुत पाप है मालिक, उस बेचारे ने सिर्फ 4 बोरियां खरीदी हैं, उसमें से 2 ले आए तो ठीक नहीं है ना मालिक। अच्छा तो जब 50% की छूट कहा तो दुम उठाकर चले आए खरीदने के लिए। अरे जानते हो सीमेंट का दाम कितना बढ़ गया है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अपने धंधे को चलाने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर आज हम इन पर तरस खाकर इन्हें छोड़ दें तो कल हमें देखकर तरस खाने की नौबत आ जाएगी। अगर तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब मुंशी नरसिंह के घर गया और उसके 4 बोरियों में से 2 बोरी चुरा कर ले आया। अगले दिन सवेरे जाकर देखा तो नरसिंह के घर के बाहर केवल 2 बोरियां सीमेंट की बची थी। नरसिंह सत्या से, अरे ये क्या, मैं तो 4 बोरियां लाया था लेकिन अभी सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी 2 बोरियों का क्या हुआ? तीनों आसपास ढूंढने लगे पर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। किसी को यदि चोरी करनी थी तो वो 4 बोरियां चोरी करता, वो 2 बोरियां छोड़कर क्यों गया? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने पैसे उधार लेकर ये 4 बोरियां खरीदी थीं। इससे मैं घर तो ठीक कर नहीं सकता, लौटाने जाऊं तो ताराचंद इसे वापस नहीं लेगा, अब क्या करूं? बापू हम सीमेंट से कुछ भी बना सकते हैं ना? हाँ बेटे हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास जो सीमेंट बचा है उससे हम घर तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने पुराने ऑटो के हम छत तो बना सकते हैं ना बापू। अब तुम्हीं ने तो कहा था कि उसका इंजन सही सलामत है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये उपाय मेरे दिमाग में नहीं आया। अपने पुराने ऑटो को ठीक करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं ये किराए का ऑटो लेकर चला रहा हूँ। जितना मर्जी कमा लूं सब किराए देने में ही चला जाता है। तब नरसिंह ने मिस्त्री को बुलाया और उसे सब कुछ समझाया। उस मिस्त्री ने उस पुराने ऑटो के लिए छत तैयार किया। सत्या और मनु अपने सीमेंट ऑटो को देखकर बहुत खुश हुए। नरसिंह अपने सीमेंट ऑटो को चलाते हुए पैसे कमाने लगा। एक दिन वो गोपाल के घर गया और, दोस्त तूने सही वक्त पर मेरी बहुत मदद की, घर तो ठीक नहीं हुआ लेकिन मेरा ऑटो तैयार हो गया। ये लो यार तुम्हारे पैसे, मैं अपने खुद का ऑटो चलाते हुए बहुत जल्द घर को ठीक कर लूंगा यार। गोपाल बहुत खुश हुआ। एक दिन मनु स्कूल से घर लौट रहा था कि उसने ताराचंद के मुंशी को किसी के घर से सीमेंट की बोरियों को चोरी करते हुए देखा। मनु चुपके से उसका पीछा करने लगा।
उसने उन चोरी किए हुए बोरियों को ताराचंद की दुकान पे रखते हुए देखा। तब मन्नू को अपने घर के सीमेंट की बोरियों को गायब होना याद आया। उसे सारी बात समझ में आ गई। तब मन्नू ने गांव वालों को बुलाया और जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसके घर में हुआ, सब बताया। ताराचंद की दुकान पर 50% की छूट का मतलब ये नहीं है कि दाम में छूट है, इसका मतलब ये है कि बोरियां कम हो जाती है। ये सुनकर सब ताराचंद की दुकान गए और उसे खूब मारा। ताराचंद वो गांव छोड़कर चला गया। जीवन अपना खुद का ऑटो चलाते हुए खूब पैसे कमाने लगा और जल्द उसने एक अच्छा घर भी बना लिया।